नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक बॉय मुकेश में। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। अगर आपके भी Vivo V29 Pro के फ़ोन में जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और सामने वाले को पता चल जाता है आप उसकी कॉल रिकॉर्ड करते हैं कर रहे हैं, और आपको भी पता चल रहा होगा कि आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय यहाँ पर बोलता है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। 100% गारंटी दोस्तों, बहुत ही ईजी है। बस आपको पता होना चाहिए कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ऊपर देख रहे हो आप लोग सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। सर्च बार पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो सर्च करने के लिए, और यहाँ पे इसके बाद सर्च बार आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ सेम यही चीज़ आपको लिख के सर्च करना अपने फ़ोन में। यहाँ पर लिखना स्पीच SPECH, ओके। स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं लिखेंगे। इसके बाद स्पीच लिखते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट ऑप्शन नज़र आता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करते हो अगेन आपके स्क्रीन पे ये ऑप्शन शो होता है, इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे। और यहाँ पे स्पीच रेट नाम से एक ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से रहता है, तो आपको स्पीच रेट को फुल कर देना है, एकदम लास्ट में करके फुल कर दीजिए बस। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों किसी को भी कॉल करके आप देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को बंद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यूजफुल वीडियो लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड कोई अच्छा सा कमेंट करें।